का बहुत डर है जी, और दुख भी बहुत है क्योंकि सेब फसल ख़राब हो रही है हमारी, इसलिए बहुत दुख है। और जो एक बार हमने पहला जो मंजर देखा है 1983 में कि सारी फसल हमारी जो है ना फेंक दी गई थी, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया था, तो डर जब वो याद आता है तो डर बहुत है। लेकिन अभी उम्मीद है कि चलो जिस तरह से सरकार कर रही है प्रयास कर रही है और छुट्टियां वगैरह कैंसिल कर दी है, यहाँ एक शिविर लगाया है 3 दिन पहले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आए थे, नौनी से भी आए थे और अपना मशोबरा से रोड से आए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी जागरूक किया, 100 बागवान थे वहाँ पर थे, तो उम्मीद तो है और हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनके हिसाब से स्प्रे करनी पड़ेगी, उनके हिसाब से इसमें हमने क्या जो सावधानियां करनी है वो करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा और उनको भी करना चाहिए। देखो दुख तो अभी जो कम से कम 25% तक लगभग अभी जो बड़े बड़े वृक्ष 25% तक फैल चुके हैं। और दूसरा क्या है कि अभी जो बागवान है उसके प्रति अवेयर नहीं है, क्योंकि सकेब को भूल चुके हैं लोग, सकेब भूल चुके हैं, तो वो उनको सिर्फ एक ही चीज याद रहती है कि हमारी जो पत्ते हैं पतझड़ लगता है, हमारे पतझड़ पत्ते ना गिर जाए, उसको किस तरह बचाया जाए, स्कैब को कोई स्कैब की तरफ ध्यान ही नहीं। तभी बागवान जाएगा स्कैब की दृष्टि से सेब को देखेगा, सेब पे दाग आगे इस तरह के, फिर वो दौड़ेगा ढूंढेगा बोलेगा क्या करें। और बारिश होने वाली है, आपको पता बरसात आने वाली है, बरसात आएगी और बरसात में ये एकदम फैल जाती है, जो अकॉर्डिंग टू जो इनके डॉक्टर्स बोलते हैं कि 17 से 23 डिग्री टेम्परेचर और 6 घंटे तक कंटिन्यू अगर पत्ता गिला रहता है तो 9 दिन के अंदर आपको स्कैब पूरे पेड़ में फैलेगी। ये कहते हैं